हमें भी ऐसे ही भगवान को पुकारना चाहिए। जब आप जप करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आपको इसी भाव में, हमारे पुकार के भाव में प्रह्लाद आ जाए, हमारे पुकार के भाव में ध्रुव आ जाए, हमारे साधना के लय में नारद जी आ जाए। बड़ा सुंदर ये नारायण चरित्र है, प्रह्लाद जी महाराज जी का चरित्र है। आप प्रह्लाद जी का नाम भी लेते हो तो आपके अंदर भगवान की भक्ति आनी शुरू हो जाती है। यहां पर एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा भगवान के परम भक्त साधना संपन्न, जितने भी भगवान के भक्त हैं नारायण, परमेश्वर की आराधना करके परमेश्वर को के भाव को प्राप्त हो जाते हैं, उन सारे चरित्रों का आप क्रमशः गान कर रहे हैं। भगवान राजा परीक्षित ने पुनः प्रश्न पूछा, भगवान के अनेकों अवतार हुए, इन अवतारों का भी वर्णन करो प्रभु। गजेंद्र ने भी भगवान को पुकारा, जब ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ा, पैर पकड़ा नारायण, और वो खींचने लगा, उन्होंने बहुत ताकत लगाई, बहुत शक्ति लगाई, लेकिन वो सारी शक्ति अधूरी रह गई। उन्होंने प्राणों से पुकारा, प्राणों से। मैं अक्सर आपको एक बात कहता जाता हूं, हमारे पुकार में जब तक प्राण नहीं जुड़ते तब तक वो पुकार परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है। प्राणों से उन्होंने पुकारा, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। मरणासन्न अवस्था में वो जल में डूबे जा रहे थे नारायण, जल में डूबे जा रहे थे, और वो अब डूबे तब डूबे, और उसी समय देखा उन्होंने वहां पर एक कमल का फूल था, और उस फूल को अपने मुख में सूंड के अग्रभाग से पकड़ा और भगवान को समर्पित कर दिया, और उन्होंने एक मंत्र बोला, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। हाथ ऊपर करो सब लोग, बोलो नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। उन्होंने पुकारा और वो पुकार नारायण पूरी भी नहीं हो पाई, और भगवान गजेंद्र की रक्षा के लिए पहुंच गए। ग्राहकों भगवान ने मार डाला नारायण, और गजेंद्र का उद्धार किया। आप भगवान को पुकारो और भगवान आपकी मदद नहीं करे, ये संभव नहीं है। लेकिन याद रखना चाहिए, केवल भगवान को पुकारना नहीं है, अपने जीवन का श्रम भी करना चाहिए। आप निठल्ले कायर आलसी बनकर कभी न बैठे, आपके हिस्से की पूरी जिम्मेदारी निभाए, और उसके बाद फिर भगवान को पुकारे, भगवान आपकी मदद करेंगे। आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी को छोड़ दोगे और निठल्ले बन के बैठोगे तो भगवान की कृपा नहीं होगी। अरे निठल्ले बन के बैठने का मतलब ये भी तो है, बिना भजन किए बैठे। आपकी ड्यूटी क्या है? भगवान का भजन करना ड्यूटी है, तो भगवान का भजन करो और आपको भगवान की कृपा मिलेगी। आपकी ड्यूटी है रोटी बनाना, आप रोटी बनाओ और भगवान का भजन करो। आपकी ड्यूटी है कैमरा संभालने की, तो आप बहुत अच्छे प्रकार से अपनी ड्यूटी निभाओ, बहुत अच्छे प्रकार से, और भगवान को याद करो। वो आपकी जो ड्यूटी है ना, वो प्रभु का भजन बन जाती है।
आपके ड्यूटी में ईमानदारी होना चाहिए बस। आप गाओ तो बहुत ईमानदारी से गाओ, और उस ईमानदारी में परमेश्वर को जोड़ो। देखो फिर वो आपका कर्म भी परमेश्वर की भक्ति बन जाती है। एक विधा है, हम अपने सभी कर्मों को परमेश्वर की भक्ति में बदल सकते हैं। केवल एक विधा है, उसमें ईमानदारी लाए, हमारे काम में स्पष्टता हो, सत्यता हो, ईमानदारी। भगवान की कृपा हमेशा होती रही नारायण। बड़ा सुंदर ये चरित्र है। एक बार देवताओं के ऊपर कष्ट आ पड़ा, असुरों ने उनके राज्य को छीन लिया, बहुत परेशान हो गए देवता लोग, और देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। उनमें बहुत सारे देव है नारायण, इंद्र आदि, अविक्रियम सत्यम अनंत माध्यम गुहाशयम निष्कलम तर्क्यम मनोग्रयानम वसधानुक्तम नमामहे देववरम। भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, नारायण प्रभु आप हमारी रक्षा करो, असुरों का उद्धार करके हमारे राज्य को तुम वापस कर दो। मैंने आपको अभी अभी कहा था ना, भगवान को श्रम बहुत प्रिय है, परिश्रम आपका बहुत प्रिय है। आपका निकम्मा कायर आलसी बनकर बैठना भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं है। आप कितने भी अच्छे हो लेकिन आप निकम्मे हो तो आपके माता पिता आपसे चिंतित रहते हैं, ये बच्चा निकम्मा है, ये जीवन में क्या करेगा, ये बच्चा निकम्मा है। ईश्वर वो सर्व पिता है, माता पिता है, और वो चाहते हैं कि आप हमेशा निरंतर अच्छे प्रयत्न में अपने जीवन को गुजारे। भगवान ने कहा, भैया तुम क्या चाहते हो? मैं जाकर के सुदर्शन चक्र से सारे असुरों को मार डालूं और तुम यहां बैठे रहो और तुमको तुम्हारा राज्य वापस कर दूं? बोले ये संभव नहीं है। कालेन अनुग्रहीतैस्तैर यावत्वो भव आत्मनः अरयोपि हि संधेया सति कार्यार्थ गौरवम्। उन्होंने कहा कि ये असुर लोग बहुत परिश्रमी हैं, ये अपने गुरु को मानते हैं शुक्राचार्य को, शुक्राचार्य को मानकर उन्होंने बहुत परिश्रम किया, अपने ताकत को बढ़ा दिया, और इस समय समय उनके अनुकूल है, ईश्वर भी उनके अनुकूल है, इसको भगवान भी हरा नहीं सकता है। भगवान ने कहा हमेशा लड़ना अच्छा नहीं होता है, कभी कभी शत्रु से भी दोस्ती कर लेना चाहिए, शत्रु की भी कोई अच्छाइयां जानकर उनके साथ सहयोग कर अपनी ताकत बढ़ाना भी बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता है। एक उदाहरण दिया है भगवान ने, ध्यान देकर सुनना भैया, बड़ा सुंदर उदाहरण है ये। भगवान ने कहा, एक बार की बात है, एक पिंजरे में सांप और चूहा बंद हो गए, और वो दोनों बहुत भूखे थे, बहुत भूखे थे। सांप को लगा चलो ये मेरे को खाने को चीज मिल गई, मैं इसको खाऊंगा तो दो चार दिन तक मेरे को खाने की जरूरी नहीं रहेगी, मैं 10-15 दिन तक तो बच ही जाऊंगा। और उधर वो चूहा सोच रहा था ये सांप मेरे को खाएगा, ये सांप मेरे को खाएगा, अब क्या करना चाहिए, कांप रहा था वो। लेकिन आश्चर्य की बात, उधर से सांप सोच रहा था नहीं नहीं इसको मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि इसको मैं खाऊंगा तो फिर मेरे को
यहां कोई बात करने के लिए दोस्त ही नहीं मिलेगा। इस पिंजरे के अंदर से बाहर जाने का कोई मार्ग ही नहीं है और मैं अकेला हो जाऊंगा अकेला। अरे कम से कम यहां बातचीत करने के लिए चूहा तो है। नहीं नहीं नहीं, बोले ये मेरा खाद्य है लेकिन इसको मैं खाऊंगा नहीं। और दूसरी बात, वो सांप सोचने लगा, मैं इस चूहे के साथ दोस्ती कर लेता हूं और दोस्ती करके इसको प्रेरित करूंगा, बेटा तुम्हारे दांत बहुत अच्छे हैं, जितने शक्तिशाली तुम्हारे दांत है उतने मेरे नहीं है, मेरे दांत तो विषाक्त हैं, विषाक्त हैं, किसी को काट दूं तो वो मर जाएगा लेकिन लकड़ी का छेदन मेरे दांत नहीं कर सकते हैं। लोग मेरे से डरते हैं, मैं बहुत ताकतवर हूं, नाग हूं, नाग जिसको डस लूं वो सामने वाला तत्क्षण मर जाए, लेकिन मेरे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है मैं लकड़ी को काट सकूं। मैं कभी इस पिंजरे को काट नहीं पाऊंगा, इस लकड़ी में काट के छेद नहीं कर पाऊंगा। इसलिए इससे दोस्ती करूंगा और इस चूहे को मैं प्रेरित करूंगा, बेटा इसमें छेद करूंगा और हम दोनों मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने इशारा कर दिया, भैया तुम डरो मत, मेरे से डरो मत, आज से हमारी और तुम्हारी दोस्ती, और हम दोनों ऐसा काम करेंगे, इस पिंजरे में बंद है, दोनों इस पिंजरे को काट कर बाहर निकल जाएंगे। चूहे को बड़ा अच्छा लगा, वरदान मिला, थोड़ा कांपना बंद हो गया। उसने धीरे से पूछा, मैं यहां पर काट करके छेद तो बना दूं, लेकिन छेद बनने के बाद तुम मेरे को खा तो नहीं जाओगे? आश्वस्त कर दिया नाग ने, बोले बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुमको नहीं खाऊंगा, दोस्ती हो गई। और उसके बाद फिर वो चूहा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कुतरने लगा, वो लकड़ी कुतरने लगा, कुतरते 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 उसने छेद बना दिया और छेद बना करके उस छेद से वो निकल गया, जंगल में भाग गया और उसी छेद से वो नाग भी बाहर निकल आया। भगवान ने देवताओं को कहा, देवताओं हमेशा लड़ना अच्छा नहीं होता है, कोई आदमी कितना भी छोटा क्यों ना हो लेकिन आप उसके गुणों को, छोटे से गुणों को भी लेकर उसकी मदद ले सकते हो। तो किसी भी आदमी को छोटा नहीं, किसी भी आदमी को बुरा नहीं समझना, जो जहां पर है तुम उससे मदद लेकर अपने काम को आगे बढ़ाना सीखना। भगवान ने बड़ी सुंदर प्रेरणा दी। भगवान ने कहा कि तुम दैत्यों के साथ लड़ना चाहते हो, लड़ो नहीं, तुम उससे दोस्ती कर लो। जैसे सांप ने चूहे के साथ दोस्ती की, इतना वैसे तुम दोस्ती कर लो। और कोई बहुत बड़ा काम करो, बहुत बड़ा काम करो, देवताओं को भी समझ में आए, बोले क्या काम करें हम। बोले हम क्या काम करें, भगवान ने कहा सागर मंथन करो। भगवान ने कहा कि समुद्र में अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियां डाल दो, एक तरफ देवता दूसरी तरफ असुरा, उसको मंथन करो। मंथन करने के बाद अनेकों प्रकार के रत्न निकलेंगे, आपस में बांट लेंगे, उसमें अमृत निकलेगा, अमृत बांट लेंगे, समझौता हुआ, भगवान का आदेश मान लिया नारायण। और इंद्रादि देवता पहुंच गए बलि के पास, बलि ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वो समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन के समय सबसे पहले क्या निकला आपको मालूम है? हलाहल विष निकला। ये हमारे जीवन का सत्य है,
आप श्रम करते हो, परिश्रम होता है, बहुत कष्ट है, आपके श्रम से परिश्रम निकलता है जहर की तरह, लेकिन घबराना नहीं है, उस समय भी धैर्य का आह्वान करना है और अपने परिश्रम को आगे बढ़ाना है, श्रम को आगे बढ़ाना है। विष निकला, भगवान को याद किया उन्होंने, भगवान शंकर जी वहां आए और भगवान शंकर जी ने जहर का पान किया, बहुत सारे रत्न निकले, आपस में बांट लिया नारायण, अंत में साक्षात परमेश्वर भगवान विष्णु धन्वंतरी का रूप धारण करके प्रकट हो गए, अमृत का कलश था उनके हाथों में, देवताओं ने और असुरों ने देखा अमृत का कलश निकला, सब लोगों ने बहुत उत्साह आनंद में भरकर नारायण पुकारना शुरू कर दिया, एक दूसरे से बधाई देनी शुरू हो गई, बधाई हो, अमृत निकला, अमृत निकला। समझौता तो यही था, जो भी रत्न निकलेंगे बांटेंगे और अमृत भी हम लोग आपस में बांटेंगे, लेकिन समझौता असुरों ने तोड़ दिया, असुरों ने उस अमृत के कलश को छीन लिया नारायण, और उन्होंने कहा कि भैया इस अमृत के अधिकारी तो हम हैं, हम पियेंगे, देवता तो बड़े निर्बल हैं, उन्होंने किया ही क्या, अरे बोले अमृत मंथन तो हम ही कर रहे थे, ताकत तो हमारी लग रही थी, वो तो अपने ऐसे हाथ लगा के खड़े थे, उस घड़े को लेकर के वो लोग भागे, अमृत हाथ में है लेकिन असुर लोग नहीं पी पा रहे थे, वो आपस में लड़ रहे थे, कौन पहले पिएगा, अहम पूर्वम नत्वम इति, वो सब लोग बोल रहे थे मैं पीऊंगा और मैं ज्यादा परिश्रम कर चुका हूं इसलिए मैं ज्यादा पीऊंगा, ये थोड़ी सोचने की बात है, वो अमृत है इसमें पीने के लिए मान सम्मान की क्या बात है भाई, पहले मैं पीऊंगा, क्या पहले पिएगा वो अमर होगा और बाद वाला अमर नहीं होगा, और ये अमृत कोई गिलास भर के पीने की चीज नहीं है, अरे वो तो एक दो बूंद आपने चखली और आप अमर हो गए, जैसे विष कोई गिलास भर पीता है क्या आदमी मरने के लिए, अरे एक दो बूंद वो चख लिया वो मर जाएगा वो, लेकिन वो नासमझी थी, वो अज्ञान था, हाथ में अमृत आने के बाद भी वो पान नहीं कर पा रहे थे और वो सोच रहे थे पहले कौन पिएगा और हमको ज्यादा पीना है, संघर्ष शुरू हो गया नारायण, और इसी संघर्ष से आपके चार कुंभ मेले पैदा हो गए, इलाहाबाद में वो कलश आया, यहां थोड़ा अमृत छलका और यहां कुंभ मेले का आयोजन हुआ, हरिद्वार में वो कुंभ रखा वहां पर थोड़ा अमृत छिलका, उज्जैन में क्षिप्रा के किनारे महाकाल के पावन मंदिर के पास वह अमृत छिलका और वहां भी कुंभ का आयोजन, नासिक में भी नारायण कुछ बूंदे गिरी और वहां पर भी महाकुंभ का आयोजन होता है। देवताओं ने भगवान को पुकारा, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु परिश्रम तो बराबर किया है हमने भी, अमृत निकला लेकिन असुर लोग लेके भाग गए, अब क्या करें हम। देवताओं में और असुरों में यही अंतर है, जब भी कष्ट आप पड़ता है तो देवता लोग भगवान को पुकारते हैं, मन से पुकारते हैं, असुर लोग भगवान को तो नहीं पुकारते लेकिन पुरुषार्थ करते हैं। आपको देवताओं से शिक्षा लेना हो तो भगवान को कैसे याद करना चाहिए इसकी शिक्षा लेनी चाहिए, और असुरों से आपको शिक्षा लेना हो तो पुरुषार्थ कैसे करना चाहिए इसकी शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान वहां प्रकट हो गए मोहिनी का रूप धारण कर और उस अमृत का कलश लेकर के नारायण भगवान ने देवताओं को अमृत का पान करा दिया,
अमृत का पान करके देवता लोग ताकतवर हो गए। मालूम पड़ा असुरों को हमारे साथ विश्वासघात हो गया है, भयंकर युद्ध हुआ है वहाँ, देवासुर संग्राम नाम से प्रसिद्ध है। असुर लोग परास्त हो गए, देवताओं को अमृत मिला नारायण, लेकिन पुनः वही गलती दोहरा दी देवताओं ने। आदमी का सफल होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस सफलता को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, लेकिन उस कमाए हुए पैसे का विनियोग कर उसको बढ़ाना बहुत बड़ी बात है। बहुत बार हमारे पास बहुत सारे पैसे आते हैं, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। शक्ति को पाना और उस शक्ति का उपयोग कर और उसको बढ़ाते जाना, यही तो बुद्धिमत्ता है। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी बात है। देवताओं को राज्य मिला नारायण, लेकिन भोग में, विलासिता में, अहंकार में मदमस्त हो गए। इंद्र ने तो अपने गुरु का भी तिरस्कार कर दिया, अपमान भी कर दिया, बृहस्पति का अपमान कर दिया। सभा में जब बृहस्पति आए, इंद्र को थोड़ा सम्मान करना था, लेकिन सोच रहा था मैं तो सम्राट हूँ, आरो यूं बैठा रहा जैसे कि देखा ही नहीं गुरु को। बृहस्पति जी महाराज जी समझ गए, अच्छा तुमको अभिमान हो गया है। और जहां पर भी अभिमान होता है नारायण, वहां क्षरण होना शुरू हो जाता है, वहां शक्ति का पतन होना शुरू हो जाता है। देवताओं में अभिमान का उदय हुआ, वो अभिमान का उदय ही उनके शक्ति का पतन था। कितनी आश्चर्य की बात, अमृत का पान करके ताकतवर हुए देवताओं को भी असुरों ने पूरा उन्हें हरा दिया, क्योंकि उन्होंने शुक्राचार्य के नेतृत्व में पुरुषार्थ किया, श्रम किया। जो व्यक्ति अपने जीवन में श्रम करता है, जो परिश्रम करता है, जो ताकत को अपने जीवन में अर्जित करता है, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता है। एक चाइनीज कहावत है नारायण, बड़ी सुंदर, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। जो शांति काल में खून बहाता है, वो युद्ध काल में पसीना बहाता है। और जो शांति काल में पसीना बहाता है, वो युद्ध काल में खून बहाता है। आप इसको समझे नहीं होंगे, आपके सीमा पर अभी बिल्कुल शांति है, इस समय आपके सेना को क्या करना चाहिए? शांति काल में आराम से सोते रहना चाहिए कि उनको लड़ने का अभ्यास करना चाहिए? शांति काल में जो खून बहाता है, वो युद्ध काल में पसीना बहाता है। शांति काल में जो परिश्रम करता है, अपनी ताकत को बढ़ाता है, खूब खूब खून बहाता है, माने अपने परिश्रम को आगे बढ़ाता है, वो युद्ध के उस समय पसीना बहाता है। उसको जीतने के लिए ज्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ता है, लेकिन शांति काल में जो पसीना बहाता है, शांति काल में सोते रहे, आनंद मनाते रहे, कोई अभ्यास नहीं किया, अब युद्ध का जब समय आएगा तो आपका खून बहेगा। आपको कोई आप कोई भी ताकत आपको विजय में नहीं ले जा सकती, क्योंकि आपने परिश्रम नहीं किया, आपने साहस को नहीं बढ़ाया, आपने शक्ति को नहीं बढ़ाया, आपको हारना पड़ेगा। असुर लोग परिश्रम करते हैं, अपने गुरु को मानते हैं, और वो परिश्रम के बल पर अपने ताकत को अर्जित करते हैं और देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। ये असुरों की बात बहुत प्रशंसनीय है, ये सीखने जैसी बात है। हरा दिया बलि ने, देवता लोगों के पास अब राज्य नहीं नारायण। दीति ने भगवान से प्रार्थना की, मेरे बच्चों का खोया हुआ राज्य मिल जाए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए नारायण। भगवान का जन्म हुआ, बोली वामन भगवान की, वामन भगवान की। वामन भगवान का अवतार जो है ना, बहुत छोटा सा बौना बौना है,
वामन बने बौने। बहुत छोटा सा रूप है भगवान का, छत्र धारण किया है, खड़ाऊं पहनी है, मेखला है, लंगूटी कोपीन पहने भगवान, गले में जनेऊ है, माथे पर तिलक है, बहुत सुंदर मालूम पड़ रहे भगवान। भगवान को मालूम पड़ा बलि यज्ञ कर रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर नारायण, भगवान वामन वहां पहुंचे बलि के यज्ञ में। द्वार पर जैसे पहुंचे, बलि भगवान का स्वागत करने के लिए बाहर आया। बलि ने स्वागत किया नारायण, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवामते महर्षिणाम तपस्साक्षात् मन्ने त्वार्य वपुर्हरं। बहुत छोटे से बटू के रूप में आए हुए भगवान का स्वागत किया, उनको अर्घ दिया, पाद्य दिया, तिलक लगा दिया और आसन पर विराजित किया। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। और वो नारायण बहुत अपने आप को पुण्यवान समझने लगे। यज्ञ के समय कोई बटुक आया, ब्रह्मचारी हमारे यहाँ साधु आया, साधु पूजन होने के बाद उन्होंने पूछा, भगवान मांगो आप हमसे, कुछ मांगो, क्या चाहिए आपको। पुराने जमाने की बात है नारायण, साधु महात्माओं को लोग पूछते थे, महाराज क्या चाहिए, और उस समय साधु महात्मा बोलते थे, महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बोले महाराज कपड़ा, अरे बोले है बहुत है, दो जोड़ी कपड़ा है, तीन जोड़ी बहुत हो, क्या करोगे ज्यादा, एक जोड़ी पैर में जूता है, क्या क्या करेंगे, लेके घूमेंगे सिर पर, एक कमंडल है, अब क्या करेंगे। ये संग्रह की जो प्रवृत्ति है ना, आदमी को साधु से ग्रस्त बना देती है। आपके पास दो कपड़े, तीन कपड़े, चार कपड़े, बहुत हो गए, वो पूरा कमरा भरा पड़ा है कपड़ों से, कमरा भरा पड़ा है, और उसके बाद भी मन नहीं भरता है, और चाहिए और चाहिए। हम दूसरे के कपड़े चेक करते हो, कैसा है भाई, ले लूं क्या हा? अरे तुम्हारे पास अभी बहुत कपड़े, बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन वो संग्रह की प्रवृत्ति। और ये संग्रह की प्रवृत्ति आदमी को दरिद्री बना देती है, दरिद्री भिखारी बना देती है। कितने भी कपड़े मिले तो भी आदमी सोचता है और मिले और मिले और मिले। अभी हम दो साल पहले हरिद्वार गए थे, सहारा परिवार के लोग मेरे साथ थे, गीता भवन में रुके थे हम लोग। हम लोग कुछ महात्माओं को बांटने के लिए, आम का समय था, आम दक्षिणा, छत्रियां थी, कमंडल थे, साबन तेल पेस्ट वगैरह था। जब हम बांटने के लिए वहां खड़े हो गए, हमको बहुत आनंद आया। ओ गौरव, गौरव से हमारी छाती बड़ी हो गई नारायण। वहां जो भी महात्मा आता, कोई बोलता महाराज हमको केवल छतरी चाहिए, बोले आपका कपड़ा नहीं चाहिए, केवल छतरी चाहिए, छतरी छतरी, हमको केवल छतरी चाहिए, और वो छतरी लेके चला जाता। कोई साधु बोलता, बोले बस बाबा हमको केवल वो दक्षिणा दे दो और कुछ नहीं चाहिए, बोले दक्षिणा की जरूरत है, दक्षिणा ले ली चला गया। कोई साधु बोलता महाराज और हमको कुछ नहीं चाहिए, कपड़ा है, छतरी है, सब है, या हमको केवल आम देना, आम बहुत अच्छा दिखाई दे रहा, हम आम खाएंगे, बोले आम खाएंगे। कोई साधु बोलता हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल, बोले कटी वस्त्र चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इतनी खुशी हुई, ऐसा त्याग, ऐसी तपस्या, ऐसे साधु नारायण। आज भी आप ये मत सोचना कि ये महात्मा लोग भंडारा खाते हुए घूम रहे, वो आपका उद्धार करने के लिए महात्मा लोग जाते हैं भंडारा खाने के लिए, ये तो इनको क्या जरूरत है। आपका दान आगे बढ़ाना है, आप दोगे किसको यदि महात्मा देंगे नहीं। और आपके अंदर देने की प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए साधु दान लेता है, इसको जरूरत नहीं है। अब यहां पर
कम से कम सुबह से शाम तक 400 लोग भोजन करते हैं, 300 करते हैं। 84 वर्ष 89 वर्ष। और उन ब्रजवासियों को मालूम पड़ा नंद बाबा को बेटा हुआ है। अब वो भोले भाले नारायण, हजारों लोग बाबा के पास जाकर के बाबा को बधाइयां दे रहे थे। बाबा बधाई हो, बधाई हो, बजाओ जोर से ताली बजाओ। और चारों ओर नारायण बधाइयां दे रहे थे लोग, बधाइयां। यहां जितने भी बीकानेर से आए हुए लोग उनको बधाई हो, बधाई हो। जबलपुर के लोग उनको दीदी बधाई हो, इंदौर के शाहरा परिवार को बधाई हो, जौनपुर के लोगों को बधाई हो, बंबई के लोगों को बधाई हो, बेंगलोर से पधारे हमारे लोग उनको बधाई हो, पूरे भारत देश से पधारे लोग सबको, आदिवासी एरिया से आए झाबुआ से उनको बधाई, महात्मा लोगों को बधाई हो, भगवान का जन्म हुआ। अब एक मैं भजन गाता हूँ, मेरे बाद फिर अशोक जी गाएंगे, गला तो मेरा खराब हो गया है, लेकिन भगवान की महती कृपा, कितनी बड़ी कृपा। मैं सोच रहा था कि मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, ऐसा गला अवरुद्ध हो गया था, लेकिन भगवान ने गला भी खोल दिया, बारिश भी खोल दी, आनंद आया। अब शांति से एक भजन सुने। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम शरणागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, जय हो स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम Thank you.
भक्तम कृष्णा। सब लोग ताली बजाएं, बहुत सुन। Thank you.
छोरन को लड्डू पेड़ा पूड़न को लापसी 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 ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की Hey!
पिता स्वामी वो बंदो तस्का स्वामी